सलीम साहब, जावेद साहब, अक्सर कहा जाता है कि जिनके हाथ में ये माइक होता है वो एक सवाल हमेशा पूछे तो पेचीदा सा होता है, लेकिन आज ये सवाल पेचीदा नहीं है और वो है ये, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम साहब। नहीं ऐसा ही नहीं, इज्जत चले जाए, आने वाली पिक्चर भी अच्छी होना चाहिए, इस पे काम नहीं चलेगा। एक्चुअली हम लोग थोड़े इनसिक्योर हो गए थे पीछे बैठे, एक एक के बाद एक सबको बुलाया जा रहा है, हमारा कोई जिक्र नहीं है, तो हमें कहीं भूल भूल तो नहीं गई क्या, हमें रिमाइंड कराओ भाई हम भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आई डू वॉन्ट टू स्टार्ट बाई आस्किंग द बोथ ऑफ यू कि हम सब ने ये फिल्में देखी हैं, थैंक्स टू यू ये पूरा जनरेशन जो है वो आप ही की फिल्मों की बदौलत इस देश में हम बड़े हुए हैं, लेकिन वॉट वॉज दैट सीक्रेट फॉर्मूला आप हमें आज बता दीजिए दैट मेड सलीम जावेद सलीम जावेद? वो सीक्रेट फॉर्मूला मैं चाहती हूँ कि आज आप वो सीक्रेट फॉर्मूला हमें बता ही दे। फॉर्मूला ये है कि उससे बहुत से लोगों को बहुत तकलीफ होगी, इसलिए कि हम में तो थोड़ी बहुत अकल थी, बाकी बहुत बेवकूफ थे। They don't make men like these anymore, let me tell you that. Javed sahab, aapse sawal puchna chahungi ki what is it about your partnership that made it so special? I mean, ultimately the result, but you see, it was not planned, it was not organized, it was not on a very conscious level decided that we'll do that. It just happened. Incidentally, the first job I got in film industry was with Mr. Kamal Nari for 50 rupees. Then I jumped to 100 rupees in Mr. S.M. Sagar's film, where I was an assistant director. Besides that, I was writing dialogue also, because no other writer was willing to write the dialogue of Saradi Lutera. तो हम लोग झोपड़ पट्टी में भी गए थे माहिम की सागर साहब के साथ, वहाँ एक राइटर था उसने भी रिफ्यूज़ कर दिया, फिर मुझे उन्होंने कहा अच्छा चलो तुम लिखो, तो मतलब चॉइस का मामला नहीं था, मगर वो मेरी ज़िंदगी की शायद सबसे अहम फिल्म है सरहद लुटेरा, बिकॉज दैट इज़ वेयर आई मेट सलीम साहब। सलीम साहब उस पिक्चर में रोमांटिक लीड कर रहे थे और मैं डायलॉग लिखता था और मुझे इतना परेशान करते थे वो डायरेक्टर साहब और प्रोड्यूसर साहब कि मैंने तय कर लिया था इसके बाद मैं नहीं लिखूँगा, मगर मुझे कॉन्स्टेंटली जो हिम्मत दी और अप्रिसिएशन दिया वो सलीम साहब ने कि आप अगर इस पिक्चर में ऐसे डायलॉग लिख सकते हैं तो आप सोचिए कोई ठीक पिक्चर होगी तो आप क्या करेंगे, आप राइटर बनिए। तो ये खैर बात ख़त्म हो गई। उसके बाद इत्तेफाक है कि मैं बांद्रा आ गया एक दोस्त के यहाँ और उसके साथ रहता, किराया वो देता था मैं रहता था, तो सलीम साहब का घर पास में था, तो सलीम साहब के घर जाने लगा सारी मोहब्बत के साथ, एक ये था कि एक वक्त का खाना पक्का हो गया था। तो फिर हम लोग बैठते थे कहानियाँ वानियाँ सोचते थे, एक दिन हम बैठे थे कि वही सागर साहब जिन्होंने सरहद लुटेरा बनाई थी, जिन्होंने हमें इंट्रोड्यूस कराया, वो आ गए और उन्होंने कहा भाई एक शॉर्ट स्टोरी है और तुम दोनों जो है वो उसका अगर स्क्रीन प्ले बना दो, तो हमने कहा ठीक है कितने पैसे देंगे आप, तो उन्होंने कहा 5,000। तो आइए मेरा तो एक हार्ट बीट मिस हो गया, तो हमने कहा ठीक है, तो हमने 14-15 दिन में वो स्क्रीन प्ले बना के उन्हें दे दिया। ये गोस्ट राइटिंग थी, हमारा नाम नहीं था पिक्चर में, लेकिन वहाँ एक सुधीर वाही थे जो अभी भी शायद आपके टच में है, तो सुधीर वाही जो है उसको तो मालूम था कि हमारा काम है, तो उसने कहा सिप्पी फिल्म चले जाओ। तो हमने सोचा सिप्पी फिल्म इतनी बड़ी हो हमें कहाँ काम दें, लेकिन एक दिन दोपहर में कुछ करने को नहीं था तो मैं चले ही गया, तो वहाँ बात बात की तो उन्होंने कहा अच्छा आप दोनों आ जाइए, मैंने कहा हम लोग तो साथ काम कर रहे थे अभी ख़त्म किया हमने स्क्रिप्ट, तो आप दोनों आ जाइए, तो फिर हम दोनों गए और फिर हमें वहाँ काम मिल गया। तो वहाँ राजेश खन्ना से मुलाकात हो गई, राजेश खन्ना ने हमें कहा कि तुम हाथी मेरे साथी का स्क्रीन प्ले लिख दो। तो कोई ऐसा दिन नहीं था, कोई ऐसा टाइम नहीं था जब हम दोनों ने बैठ के तय किया कि अब हमें पार्टनर हो जाना चाहिए। इट जस्ट ग्रू, इट हैपेंड लाइक दैट। और फिर तो आपको पता ही है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, रेस्ट इज हिस्ट्री। The rest is history. Thank you for taking us on that little journey, and there's a lot more in the docu series, I can promise you. At this point, सलीम साहब, इन्होंने इतनी सारी यादें हमें बता दी, अगर आपको भी उस दौर की कोई यादें हैं जो हमारे साथ इस वक्त शेयर करना चाहते हैं
बड़ा अच्छा लगेगा हमें। क्या भाई? आपका माइक हेलो और पास हेलो साहब ठीक हेलो आप ठीक हाँ ना ठीक है। हम जा रहे थे एक मरता हुआ एक फिल्म के उस पे प्रीमियर पे हम जावेद चैम्बर में एक ही गाड़ी में थे जा रहे थे और हमारे सामने एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर जा रहे थे जिन्होंने 20 साल पहले एक फिल्म बनाई थी। तो बच्चे आए और ठोकना शुरू कर दिया और बॉनेट को सलीम जावेद जिंदाबाद सलीम जावेद जिंदाबाद। तो एक 10 रुपये का नोट निकाला मैंने और उनका कहा कि ये लो और वो जाके आगे को जो उनका नाम दिया डायरेक्टर का कि उनकी गाड़ी के आगे क्या करो और उनका नाम दिया कि जिंदाबाद बोलो जिंदाबाद बोलो। तो वो जैसे जैसे उसका जाके उसने जिंदाबाद बोलना शुरू किया तो उन्होंने पीछे मुड़ के देखा के देखा मेरे को जो लोग जानते हैं और इसके बाद गाड़ी चली। तो इंटरवल में जब सिगरेट पीने निकले तो हम लोग ढूंढ रहे थे कि हम कहाँ हैं। जो उसके बाद हम दिख गए उसे तो घुमा फिरा के जैसे आपने भी अभी थोड़ी देर पहले कहा था लोग जानते हैं हर आदमी जानता है। तो थोड़ी देर बाद वो हमारे पास आके खड़े हो गए कि नहीं यार अल्लाह का शुक्र है कि 20 साल हो गए मेरी पिक्चर को मेरा बच्चा जानता है।